उज्जैन के नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण वार्ड 46 के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पद के उम्मीदवार कैलाश प्रजापत और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और चुनावी कार्यालय का शुभारंभ सिंधी कॉलोनी रोड पर शास्त्री नगर ग्राउंड के करीब हुआ, जहाँ सबसे पहले बाबा महाकाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर शीश नवाया गया और बाबा महाकाल की भक्ति के रंग में रंगे हुए दिखाई दिए। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पापा के मित्र भी है, मैं यही चाहता हूँ उनसे कि वार्ड का विकास अच्छा हो और जैसे बंगाली कॉलोनी का वार्ड उन्होंने बताया है जो मसला है स्थानीय गायत्री घटना के बारे में, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है बंगाली कॉलोनी में। आप मानते हैं कि भैया के नेतृत्व में सुनवाई होगी, अब आप समस्या परेशानी बताएंगे उसका निराकरण होगा, सुनवाई होगी, मानते हैं आप? पूरी पूरी कोशिश करेंगे इसके लिए, प्रयास मंत्री जी से भी बात करेंगे और प्रयास तो उनकी तरफ से पूरा रहेगा, पर अब आगे की जो बड़े जो कन्वर्सिंग भी रहेंगे विचार वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो पूरा होगा। जीतने के बाद जो अपने यहाँ जो नाले वाले में जैसे पानी भरा हो गड्ढे वड्ढे जो है वो उसका निराकरण करेंगे, भैया का पूरा पूरा प्रयास है। जैसे मैं भी चाहता हूँ कि ये पूरा काम हो और भैया के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जो ये काम भी करते हैं कर रहा हूँ, और सारी जो मूलभूत जो समस्या है वो मुझसे छिपी नहीं है। मैंने हमेशा प्रयास कराया, मैं भले पार्षद रहा नहीं रहा, एक कार्यकर्ता सामान्य कार्यकर्ता की हिस्से से भी मैंने इस वार्ड की समस्या को उठाया और कहीं ना कहीं उसको हल करने का प्रयास किया है। जैसे विशेष करके यहाँ की व्यवस्था जल भराव की, यहाँ पर पानी घरों में भर जाता है, उसी के साथ यहाँ की एक सीवेज लाइन का जो समस्या है वो भी काफ़ी गंभीर है। कुछ हमारे शास्त्री नगर के अंदर हाउसिंग बोर्ड के जो पंजीयन वाला मामला है, रजिस्ट्रेशन वाला मामला, वो भी एक बहुत बड़ा मामला है। और दूसरा हमारी जो बंगाली कॉलोनी है, जो कई दिनों से वहाँ के नागरिक उसको स्थाई मतलब अपना वो चाहते हैं, पर उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। सीएम साहब भी उसकी घोषणा कर चुके हैं, पर कहीं ना कहीं कोई प्रशासनिक दिक्कत है जिसको हमको दूर करना पड़ेगा और उसके लिए लगना पड़ेगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अगर इस वार्ड से चुना जाता हूँ तो सर्वप्रथम मेरा बंगाली कॉलोनी जो है उसके अंदर जो समस्या है उन सबसे छुटकारा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।